एनआईए दे एक्शन प्लान दी सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर सामने आ रही है, वड्डी खबर सामने आ रही है गैंगस्टरां नूं लैके, वड्डी खबर सामने आ रही है एनआईए दे एक्शन प्लान दी सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर सामने आ रही है गैंगस्टरां ते शिकंजा कसण लई एक्शन मोड विच एनआईए नजर आ रही है। पंजाब दे 55 गैंगस्टरां अते अतवादियां दी जायदाद जब्त करन दी इत्थे तैयारी की गई। पंजाब सरकार नूं पत्र लिख के गैंगस्टरां दी जायदाद दे वेरवे मंगे गए। गैंगस्टरां ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ एक्शन मोड विच एनआईए नजर आ रही है। साडे नाल साडे सहयोगी हरप्रीत बंदेशा जुड़ गए ने। हरप्रीत, एनआईए मुड़ तो तैयारी विच नजर आ रही है गैंगस्टरां ते जो है शिकंजा कसन दी, की कुछ हुण दा अपडेट है जी? देखो, जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए लगातार जिस तरीके दे नाल मूसेवाला मर्डर केस तो बाद छापेमारी की गई, जिस तरीके एनआईए काम कर रही थी उससे चलदिया ही हुण एनआईए वल्लों 57 गैंगस्टर्स ते जिहड़े इस तों इलावा जिहड़े लोग टेरर एक्टिविटीज मिले हुए ने उन्होंने खिलाफ इना काम जोड़ा है और तेजी ना हो रहा। मनिया जा रहा है कि उन्होंने जी संपत्ति है जिड़िया उन्होंने जायदादा ने उन्होंने जब्त करने की तैयारी है। जो जानकारी अजे तक मिल रही है कि जे डीसीज ने उन्होंने भी बकायदा कह दिता गया पंजाब सरकार वालों की जेडे गैंगस्टर ने उन्होंने खिला ना जी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड कड़िया जाए। एनआईए ने कुछ जे गैंगस्टर सीमा पार तो हिंदुस्तान च लगातार गलत हरकतां करन वाले आतंकियों की गठजोड़ की जांच कर रही है। जांच यह सामने आया कि पंजाब के 57 गैंगस्टर ते आतंकी ने जिन्हां ने अपराध की दुनिया के राही बहुत सारा पैसा ते प्रॉपर्टी इकट्ठी की है। जेड़े अजे तक जो जानकारी मिल रही कि 12 गैंगस्टर जेड़े ने वो फिरोजपुर तो ने, तरन तारण तो 11 ते अमृतसर तो 10 गैंगस्टर ने। इस तो अलावा कपूरथला, मोगा, मोहाली, फजिलका, मुक्तसर साहब, गुरदासपुर ते हुशियारपुर तो भी कुछ अपराधी ते जिहड़े आतंकी वारदात शामिल लोग ने उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाईया ने। पिछले 6 साल च जिहड़ियां संपत्तियां खरीदिया गईयां ने उन्हां दा आकलन किया जा रहा एजेंसी वल्लों कि आखिर एक किस पैसे नाल खरीदिया गईयां। इस तों अलावा यह भी जांच की जा रही एजेंसियां वल्लों कि उन्हां दे रिश्तेदार ते जिहड़े अपने घर दे लोग ने उन्हां वल्लों भी किन्नी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। लगातार टारगेट किलिंग जिहड़ियां हुंदियां रहियां या जिहड़ा नारको टैररिज्म है उसनूं नत्थ पाउण वास्ते यह जिहड़े सारी कवायद है की जा रही है। खास तौर पर मूसेवाला हत्याकांड तों बाद जिस तरीके एजेंसियां एक्टिव हुई, जिस तरीके लगातार काम होया, छापेमारी शुरू हुई फरवरी च, एनआईए ने बहुत जगह से छापेमारी की थी, तो उस तो बाद लगातार एनआईए या एजेंसियां जेकर कहा जाए कि लगातार अगे वधदियां हुई नजर आ रही ने। अजे तक जो जानकारी मिल रही है कि इस पूरे काम के जिहड़ी 57 लोग ने जिन्हां के खिलाफ कार्रवाई होंदी हुई नजर आ रही है जी। हरप्रीत, फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। सो पंजाब दे 57 गैंगस्टरां ते अतवादियां दी जायदाद जब्त करन दी इत्थे एनआईए पूरी तैयारी विच बैठी हुई है।